खबर केसुर से। मध्य प्रदेश की विधानसभा क्रमांक 202 के पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने पर केसुर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। बदनावर से मंत्रिमंडल में मंत्री मनोनीत होने पर कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में नई आशा की किरण लगाई जा रही है, क्योंकि आज़ादी के बाद जब से बदनावर को विधानसभा का दर्जा मिला तब से कई विधायक बनकर भोपाल पहुंचे, लेकिन यहां से कभी किसी विधायक को मंत्री पद नहीं मिला। ऐसे में इस क्षेत्र में मंत्री बनने से विधानसभा वासियों को नई उम्मीद जगी है। केसुर से अनिल परमार की रिपोर्ट। जिला नेतृत्व ने अभी पूर्व विधायक राजवर्धन दत्तीगांव को जो कैबिनेट मंत्री का भारतीय जनता पार्टी ने दर्जा दिया है, अब मैं तो संगठन का कार्यकर्ता हूँ, मैं संगठन का काम के लिए ही पूरी ताकत से बदनावर विधानसभा को जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने तय किया कि 51,000 से अधिक मतों से यहाँ से विधायक चुनकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 साल चलेगी, उसी कड़ी में एक केसुर नगर भी हम पिछली बार 300 से जीते थे, हम 1,000 का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय करेंगे। बस आज के दिन जय हिंद जय भारत। कन्यादान की बात कर रही थी, आपने एक भी योजना पूरी नहीं करी, उसके बाद में आपका साथ छोड़कर ये 22 विधायक है। बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने भ्रष्टाचार सरकार को छोड़कर एक अच्छी सरकार को चुनी है, जिसको जिसका नेतृत्व हमारा शिवराज जी चौहान ने कर रहे हैं। शिवराज जी चौहान ने जो वादे किए थे वो कल उन्होंने पूरे कर दिए हैं और सभी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, और ये सरकार अच्छी तरह चलेगी, हर वर्ग को फायदा होगा, हर वर्ग को काम करना होगा। मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय जय भारत। भाई दिलीप सिंह जी, बदनावर विधानसभा में पहली बार आपको बदनावर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार मंत्री बने, तो आप क्या अपेक्षा रखना चाहते हो मंत्री जी? ये सही बात है कि आज़ादी के बाद में पहली बार बदनावर विधानसभा से कोई मिनिस्टर बने हैं, और वो भी कैबिनेट मिनिस्टर, एक काबिल योग्य विधायक, 3-3 बार विधायक रहे, काबिल योग्य आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मंत्री का पद दिया है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे राजवर्धन सिंह जी क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे, और शिवराज जी ने जो उनके ऊपर भरोसा जताया उसमें वो खड़े उतरेंगे। केसुर की नदी को जीवित करने में विधायक जी का विशेष योगदान रहेगा? विधायक जी से इस बारे में बात हुई है, नदी के ऊपर घाट बनाने के बारे में बात हुई है, वो बोले कि मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके जल्दी जल्दी नदी जोड़ने के संबंध में, नदी जोड़ने के बारे में उनसे चर्चा करनी है, अभी तक कोई नहीं है। थैंक यू सर। महिला मोर्चा कुछ बोले? पहली बार जो हमारे मंत्री बनने पे हमें जो खुशी है और उनसे अपेक्षा करेंगे कि हमारा क्षेत्र का विकास करें, और हमें बहुत खुशी है। आपका नाम? कुसुम जैन। मतलब मंत्री पद की सौगात मिली है, इसके संबंध में बीजेपी की क्या रूपरेखा? बहुत ही खुशी की बात है, आज़ादी के बाद पहली बार बदनावर विधानसभा क्षेत्र को आदरणीय राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव के रूप में एक दमंग नेता मिला है, एक सहज सरल नेता मिला है, और उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। राजवर्धन जी वो व्यक्ति है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ जंग लड़ी है, इनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने जो कमलनाथ ने वादा मतलब किया था वो कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया, कोई भी कार्य पूरे नहीं किया, उस अन्याय के खिलाफ उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा है, और आज भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल है, इसलिए उनका सभी का स्वागत है। पार्टी की बहुत सारी अधूरी योजना है, केसुर में कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ऐसी मूलभूत व्यवस्था को पूर्ण करेगी पार्टी? बिल्कुल ढंगे की छोड़ से पूर्ण करेंगे। राजवर्धन जी से मेरी बात हुई है बीच में, उन्होंने केसुर के कॉलेज, यहाँ के और भी जो भी मतलब समस्या है वो सभी पूरी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।